सो दोस्तों, पोपटलाल अक्सर कहता है कि दुनिया हिला दूंगा, पर दुनिया तो कोरोना ने हिला दी है। सो वेलकम टू एएन नॉलेज, मैं हूं अंकित, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आज मैं आपको बताऊंगा कोरोना के बाद पांच एक्टिविटीज जो नॉर्मल नहीं रहेंगी। और हाँ, मेरा इंट्रो देख के जाने वाली पब्लिक से ये निवेदन है, डबल स्पीड पे देखो पर मेरी वीडियो देखो, पूरी देखो, और हाँ 20 लोगों को शेयर कर देना। तुम्हें बता रहा हूँ, किसी और से मत बोलना, ठीक है? वरना अच्छा ठीक है यार, मैं बकवास बंद करता हूँ और तुम्हें लेके चलता हूँ एएन दुनिया में, और बताता हूँ कि आखिर वो कौन सी है वो पांच चीज़ें या फिर वो पांच एक्टिविटीज़ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, शुरू करें, आओ। फर्स्ट थिंग इज ब्लोइंग कैंडल्स ऑन केक। अब ये नहीं होगा, हाँ बर्थडे पार्टी होगी, पर ये जो कैंडल्स बुझाने का रिवाज है ना, इसे भूल ही जाओ, क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट ने कहा है कि इससे भी कोविड वायरस फैल सकता है एक दूसरे को केक खाने से। ठीक है, मतलब वो केक खाने से। पॉइंट नंबर टू है शादियों में एक दूसरे को मतलब भांगड़ा। ठीक है, शॉर्टकट में बोलूँ तो ग्रुप डांस, जो हम एक दूसरे को मारते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, पर हम उसे डांस कहते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण आपके लिए ये सेवा भी उपलब्ध नहीं है। हाँ, अगर बायोसिक्योर एनवायरनमेंट है तो बात अलग है, तब तो आपको जितना नाचना है नाचो। थर्ड पॉइंट है रेलवेज में फूड सर्विसेज। अब आपको रेलवे में पैक्ड फूड घर से खाना ले जाना अलाउड नहीं होगा, जो रेलवे देगा वो खाना पड़ेगा। इसके साथ ही एक और बात बता दूं कि अब स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेस में भी फूड शेयरिंग अलाउड नहीं होगी, तो अब से अपना डब्बा पैक जरूर करना, दूसरों के भरोसे मत रहना, क्योंकि दूसरे देना भी चाहेंगे तब भी नहीं दे सके, और तुम लेना भी चाहोगे तब भी डर की वजह से नहीं लोगे। तीसरी चीज़ और सबसे मेजर, सॉरी चौथी चीज़ है यार, याद दिलाया करो, मैं सही बोल रहा हूँ गलत? जी हाँ, ट्रैवलिंग। अब आपको कहीं भी ऐसी भीड़ देखने को नहीं मिलने वाली। सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है कोरोना के खिलाफ, पर सवाल ये है कि जब वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन के बाद दुनिया घरों से बाहर निकलेगी, तब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा? क्योंकि दुर्घटना से सावधानी भली होती है, और ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से कौन सा देश सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाता है। वैसे मुझे सबसे अच्छा साउथ कोरिया का लगता है, क्या आइडिया है, बहुत अच्छा। अगली चीज़ है, पाँचवा पॉइंट है स्पोर्ट्स में फैंस स्पेक्टेटर्स की जगह। हम सब जानते हैं, पर अब बिना फैंस के ही मैचेस होंगे, और अब आदत डालनी पड़ेगी यार। हालांकि 30% 50% दर्शकों के साथ प्लानिंग हो रही है, और कहीं कहीं तो डमी फैंस तक का जुगाड़ हो रहा है यार, डमी फैंस, साउंड इफेक्ट्स, पता नहीं क्या क्या लगे जा रहे, सैनिटाइजेशन, मतलब कोरोना ने सब बेड़ा गर्क कर दिया है। तो खैर, अब सब कुछ बेड़ा गर्क तो हो ही गया, पर एक चीज़ मिल गई कि हम PKL नहीं देख सकते इस साल, IPL में भी प्रॉब्लम आई। खैर दोस्तों, थैंक यू। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, मेरी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीडियो को फास्टेस्ट 200 व्यूज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट डाउन आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, और शेयर करें 20 लोगों को। और दोस्तों यार, 60 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत करीब हैं, जल्दी करवा दो, यू कैन डू इट।